तो गाइस आज हम करने वाले हैं इस तरह की फोटो एडिटिंग जो कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। अब हम ऐड फोटो पर जाएंगे और अपने मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने मॉडल को पहले से ही रेज कर रखा है। हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और फिर डन कर देंगे। इसके बाद हम एफएक्स में चलेंगे। एफएक्स में जाने के बाद हम कलर्स में जाएंगे। कलर्स में जाने के बाद हम सेचुरेशन में जाएंगे और उसकी अमाउंट 0 रख देंगे। और हम फिर इरेज वाले बटन पर जाएंगे और ब्रश वाले बटन को सेलेक्ट करके उसकी हार्डनेस 0 रख देंगे और अपने आधे फेस पर इसे लगा लेंगे। फिर डन कर लेंगे। तो इसके बाद हम ऐड फोटो पर जाएंगे और दो क्रैक पीएनजी लेंगे और इसे हम क्रॉप कर देंगे। फिर हम दूसरे वाले को भी क्रॉप कर देंगे। फिर ये बड़ा वाला जो क्रैक पीएनजी है इसे हम अच्छे से एडजस्ट करके अपने सर के ऊपर लगा लेंगे। और ये जो बाहर हो रहा है इसे हम इरेज करेंगे हल्के हल्के। उसके बाद दूसरे वाले पीएनजी को अपने गालों के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। ब्लेंड में जाएंगे और इसकी ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसे डन कर लेंगे। फिर हम ऐड फोटो पर जाएंगे और कुछ पीएनजी लेंगे जैसे कि फायर पीएनजी और हर्ट का पीएनजी हम लेंगे। तो हम हर्ट वाले पीएनजी को सिंपली एडजस्ट करके अपना हर्ट के स्थान पर लगा देंगे। और फायर वाले पीएनजी को हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर एडजस्ट करके लगा देंगे जिससे लगे कि शर्ट में आग लगी हुई है। फिर हम दूसरे वाले पीएनजी को अपने नीचे वाले हिस्से पे इसके साइज बड़ा करके इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन रख के लगा देंगे। फिर हम डन कर लेंगे। फिर हम ऐड फोटो पर जाएंगे और एक और फायर पीएनजी लेंगे और इसे हम अपने राइट वाले शोल्डर के पास लगा देंगे। फिर एक और फायर पीएनजी लेंगे और अपने कार्ड के ऊपर लगाएंगे। आप वैसे इस फोटो के लिए सिंपल पोज भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये कार्ड वाली पोज थी तो इसलिए मैंने इसे यूज कर लिया। तो देखिए अब ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड जल रहा है। तो इसके बाद हम डन कर लेंगे। फिर हम एक टेक्स्ट पीएनजी लेंगे या फिर टेक्स्ट कर लेते हैं। फिर हम टेक्स्ट पर जाएंगे और लिखेंगे डोंट फॉल इन लव और इसमें से कोई भी इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं ये वाला ले रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी हम 50 के आसपास रख लेंगे। फिर हम ड्रॉ टूल में जाएंगे और इसे सेव कर लेंगे।
तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी फोटो को लाइटरूम में ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हम उस ब्राइटनेस वाले बटन पर जाएंगे और इसमें ऑटो पर क्लिक कर देंगे। ऑटो पर क्लिक करने के बाद हम इसकी हाइलाइट्स को कम कर देंगे, फिर इसमें शैडो को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर वाइटीज है इसे भी हम कम कर देंगे, फिर ब्लैक्स को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर हम चलते हैं अपने कलर वाले बटन के पास, फिर इसमें हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, टिंट को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, फिर वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, फिर इसमें हम ह्यू वाले को माइनस कर देंगे पूरा, फिर उसके बाद इसका भी ह्यू माइनस कर देंगे और सैचुरेशन माइनस कर देंगे, इसका भी ह्यू माइनस करेंगे, सैचुरेशन भी थोड़ा सा माइनस और लुमिनेंस भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, इसका हम सैचुरेशन बस माइनस कर देंगे और ग्रीन वाले का ह्यू माइनस करेंगे बस, फिर येलो वाले का इसका ह्यू माइनस करेंगे और सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर लुमिनस भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। फिर हम चलते हैं अपने ऑरेंज वाले कलर के पास, इसकी सैचुरेशन हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो हम चलेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन, इसमें क्लियरिटी को हम 30 के आसपास रख लेंगे, फिर हम विग्नेट है इसे भी 14 रख लेते हैं। कंप्लीट हो चुकी है, देखिए पहले कैसे किसी और कर जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।